बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, सीताराम। बोलिए क्या बात जी, माइक रख दें। हाँ क्या बात, और आपके पूरे शरीर में पीड़ा बनती है, हाँपी भरती है, कमजोरी बनी रहती है, घर में सुख शांति रहे, वह पति पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, उनको दो बार दर्शन करवा लीजिए, करवा दीजिए। वह बालकों का जॉब का योग 4 मार्च 2024 का समय बन रहा है, आशीर्वाद है। उनको लाना पड़ेगा धाम। उनके नाम देना, हम उपाय कर देंगे, आशीर्वाद। हाँ धाम पर भोजपत्र में लिखकर, कमजोरी बनती है, आपके पूरे शरीर में कंपन होने लगता, चलने में दिक्कत बनती है, पीड़ा बनती है, 8 साल से हैरान है। बराबर, एकदम सही। और एक विषय जो गुप्त पूछने आए हैं उसका भी रहस्य खुले, जाओ आशीर्वाद। यहाँ बगल में जो काला मास्क लगाए हुए खड़े हैं, सिर में तौलिया बांधे, मुंह पर मास्क लगाए तौलिया वाला, आ जाएं सामने में, हाथ खड़ा करो। हाँ हाँ हाँ, अब हाथ जोड़ा, आ जाओ तुम, आ जाओ, तुम्हें बालाजी ने बुलाया है। ये नारियल है, ये घर पर रखना, बाद में जब धाम आना तब धाम पर लेकर के आना है। हाँ हाँ हाँ, आशीर्वाद। हाँ इन्हीं को, इन्हीं को, हाँ इन्हीं को, इन्हीं को बोलो, बागेश्वर धाम की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, ज्ञानवापी मंदिर की, बोलो ज्ञानवापी मंदिर की, बोलो ज्ञानवापी मंदिर की। कहां से आए? जिला प्रतापगढ़। कल मैं आप लोगों को बताऊं कि कल मैं यहां आया था, मेरी अर्जी नहीं लगी थी तो मैं स्टेशन चला गया था पुणे। फिर मेरे एक मित्र ने कहा चलो कल तुम्हारी अर्जी लगेगी, यहां से किराया देकर गया, फिर वहां से किराया देकर आया और यही धाम पर सोया था और आज मेरी अर्जी लग गई। वाह, तो स्टेशन में गया था, वहां मैं ट्रेन पे बैठने वाला था, लेकिन मेरे मन में आया कि नहीं चलो मंदिर, हमारी अर्जी लग जाएगी, और मेरे मित्र ने कहा तुम्हारी अर्जी लग जाएगी और मेरी अर्जी आज गुरुदेव स्वीकार हो गई है। बालाजी के नजदीक आओ, नजदीक बोलो क्या बात है। गुरु जी नौकरी का प्रश्न है, मुझे डेट बता दीजिए कब लगेगी जी, और हमारे घर पे शांति रहे। मेरे कार्य सिद्ध नौकरी चाहते हैं, उन्नति होगी, दरबार में एक ही अर्जी मूल लेकर के आप आए हैं जॉब की, 2024 के अंत में योग बन रहा है, पर तैयारी आज से ही तीव्र कर दें, आशीर्वाद। किस विभाग में है गुरु जी, ये बता दीजिए, डेट बता दीजिए गुरु जी। बता तो दी, 8 दिसंबर का योग बन रहा है। क्या तैयारी किए हो बेटा? गुरु जी बीएड किए हैं। अच्छा जी, इससे काई की होती है? बीएड मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन टीचिंग, टीचिंग विभाग। पढ़िए, आपको नौकरी शिक्षा विभाग में मिलेगी, आशीर्वाद। जय श्री राम। तुम तो पढ़े लिखे हो बहुत गुरु जी, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। लेकिन ये पर्चा तो यही बोल रहा है। एक मेरी इच्छा है गुरु जी, पर्चा तो यही बोल रहा जी, मेरी माँ की एक इच्छा थी, आप अपने पैर छूने दीजिए, अगली बार खुश रहो, जब धाम आओगे तब। जय श्री राम। तुम्हारे भी पैर की पीड़ा ठीक रहे, ले खुश रहे, खुश रहे।